विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे मित्र भाई नीतीश कुमार जी, मंत्रिपरिषद में मेरे वरिष्ठ साथी रामविलास पासवान जी, बिहार के कर्मठ उपमुख्यमंत्री भाई सुशील मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य सांसदगण, बिहार सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, भाजपा जदयू लोजपा उसके शरीर सभी वरिष्ठ नेतागण, बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महान प्रदेश बिहार और एकर महान जनता के हम प्रणाम करतानी। हम बिहार के इन महान जनता का आदरपूर्वक प्रणाम करी छे। बिहार के सब लोगन के प्रणाम करी थियो। महात्मा बुद्ध, अमात्य चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह जी, सम्राट अशोक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, श्री बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, वीर कंवर सिंह विद्यापति और रामधारी सिंह दिनकर समेत अनेक ऋषियों और मनुष्यों ने जिस धरती से देश और दुनिया को आलोकित किया है, ऐसे बिहार के ऐतिहासिक आग्रह को चंपारण से निकले गांधी मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर तक सिद्धि हासिल करने की जो घोषणा की है, मैं आदरपूर्वक उनका अभिनंदन करता हूं और बिहार की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से आप सभी के साथ कुछ पल साझा करने का सौभाग्य आज मुझे और मेरे सभी साथियों को फिर से मिला है और स्वयं वरुण देवता भी हमारे संकल्प को आशीर्वाद देने आया है। भाई और बहनों, आपका प्रधान सेवक होकर नाते मुझे अनेक बार बिहार आने का मौका मिला है। जब ये जिम्मेदारी नहीं थी तब भी बहुत बार बिहार आया हूं। आज वाकई मुझे ये देख करके खुशी होती है कि नीतीश बाबू जैसे कर्मठ, शालीन, गरीब की चिंता करने वाले व्यक्तित्व ने कैसे बिहार को उस पुराने दौर से बाहर निकालकर एक नई दिशा दी है। जिस राज्य में इतनी प्रतिभा हो, जहां के नौजवानों में इतना सामर्थ्य हो,
जो देश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति तक अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा हो, उस बिहार को एक भंवर से निकालने का काम नीतीश जी और सुशील जी की जोड़ी ने और यहां की एनडीए की पूरी टीम ने एक अद्भुत काम किया है। बिहार में एनडीए और केंद्र में भी एनडीए होने की वजह से आज यहां विकास की रफ्तार को नई तेजी मिली है। अब तो पटना में मेट्रो का काम भी शुरू हो चुका है। यहां की ट्रैफिक व्यवस्था अब सीएनजी आधारित होने वाली है। साथ में पटना के लोगों को अब पाइप के माध्यम से सस्ती और अच्छी गैस भी मिलने लगेगी। नीतीश जी ने नल से जल देने का बीड़ा उठाया है और अब पाइपलाइन से गैस का काम भी होने वाला है। ये पटना को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया को और गति देने वाला है। साथियों, ये जो बदलाव आ रहा है उसके लिए फिर एक बार नीतीश जी, सुशील जी और एनडीए की पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है, अनेक अनेक बधाई के पात्र है। बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का संकल्प लेकर आप सभी ने मिलकर बिहार को जिस स्थिति से बाहर निकाला वो प्रशंसनीय है। भाई और बहनों, बिहार ने विकास की जिस रफ्तार को पकड़ा है वो और गति पकड़े, इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। कुछ दिन पहले ही बरौनी में 30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ये बिहार के विकास के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक और झलक है। साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो। इसी सोच के साथ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम या फिर उच्च और प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं। यह गांव और शहरों की सड़कों का, यहां के नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है। जो पुराने पुल है उनको सुधारा जा रहा है। नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, रेलवे की पुरानी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है, उनका बिजलीकरण हो रहा है। पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख ही रहे हैं। सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तार दिया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ में इसको उड़ान योजना से भी जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अब तो गंगा जी के माध्यम से बिहार को, यहां के उद्यमियों को देश के समुद्री इलाकों से जोड़ने का काम भी चल रहा है। इससे बिहार को लाभ मिलना शुरू हो चुका है।
भाई और बहनों, परिवहन के साथ साथ बिजली और ऊर्जा से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान जो हमारी एनडीए सरकार ने चलाया है, उसका लाभ पूरे बिहार को मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब के घर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का हम सफल हुए हैं और मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। आज बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। इसी तरह बिहार को पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के समुद्री किनारों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने का काम जोरों पर है और यहां की रसोई को और यहां के उद्योगों को गैस आधारित बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज बरौनी के खाद कारखाने जैसे अनेक उद्योग फिर से शुरू हो पा रहे हैं। इस बिहार के युवा साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। साथियों, ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं उनसे बिहार में उद्योगों के लिए एक बेहतर वातावरण बना है। साथियों, उद्योगों के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं के लिए भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि आज जमीन पर उतर गई है। इस योजना का लाभ बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों समेत देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को होगा। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको बैंक खाते में सीधी मदद मिलनी सुनिश्चित हुई है। अभी की स्थिति के हिसाब से ही देश के किसानों को इस योजना के माध्यम से हर वर्ष प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जमा होंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई चोरी करने वाला नहीं। अब उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक, चारा जैसी जरूरतों के लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बिचौलियों से मुक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना एनडीए सरकार ने, आपके इस चौकीदार ने, आपके इस चौकीदार ने शुरू की है। ये जो लूट खसोट, बेनामी प्रॉपर्टी और बिचौलियों की संस्कृति और बिहार और देश की राजनीति में दशकों से सामान्य हो चुकी थी, इसको बंद करने की हमने हिम्मत दिखाई। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, वो अब चौकीदार से परेशान है। और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है।
आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारे एनडीए गठबंधन दीवार बन करके खड़ा है। देश की रक्षा सुरक्षा गरीब वंचित शोषित मध्यम वर्ग के हित में जितने भी मिस्किल जितने भी बड़े फैसले लेने हैं वो डंके की चोट पर लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। बीते 5 वर्षों में एनडीए की सरकार ने जितने ज्यादा गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है ये अभूतपूर्व है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने करीब 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त का इलाज की सुविधा से जोड़ा। लगभग 35 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए। लगभग 21 करोड़ को 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना दिया। लगभग 7 करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया है। 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के साथियों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर दिया काल दिया मुक्ति दे दी। 1.5 करोड़ से अधिक गरीबों को अपना पक्का घर दे दिया। 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को अटल पेंशन से जोड़ा है। इसी तरह सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण भी एनडीए की ही सरकार ने दिया है और ये काम भी बाकी वर्गों के हक को छेड़े बिना किया गया है। साथियों, ये जितनी भी उपलब्धियां अब तक मैंने गिनाई है ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि 2014 में आपने एक मजबूत एनडीए को जनादेश दिया। साथियों, 2014 से लेकर अब तक का समय देश की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का था। तक का समय जरूरतों को पूरा करने का था और 2019 के बाद आगे का समय देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने का है। बीते 5 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव एनडीए ने मिलकर तैयार की है। अब समय आ गया है इस मजबूत नींव पर सशक्त समृद्ध नए भारत का निर्माण हो। भाई और बहनों, देश में अगर महामिलावट वाली सरकार रहती तो ना फैसले होते और ना ही गरीबों का कल्याण होता।
इन लोगों की प्रवृत्ति अपना विकास करने की है, देश का विकास करने की नहीं है। मेरे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, जरा याद कीजिए, जरा याद कीजिए, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक से बढ़कर एक अनेक योजनाएं शुरू की। देश में नए नए हाईवे का निर्माण, गांवों तक सड़क का निर्माण, सबको शिक्षा का अभियान, उन्होंने कितनी ही योजनाएं शुरू की। लेकिन जब कांग्रेस और उनके साथी सरकार में आए तो सारे कामों की रफ्तार धीमी कर दी गई। हमारे नीतीश जी तो खुद गवाह है, अटल जी की सरकार में रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार के लिए कितना कुछ किया, लेकिन उनकी शुरू की गई सारी अनेक योजनाओं को भी कांग्रेस ने 10 साल में आगे नहीं बढ़ने दिया। गंगा पर बने दो पुल इसके जीते जागते उदाहरण है। जब वो रेल मंत्री थे तो अटल जी ने उनका शिलान्यास किया था। उनके गिराने के बाद दोनों पुलों पर काम लगभग ठप पड़ गया। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद इन पुलों के काम में तेजी आई और मेरे द्वारा उनका लोकार्पण किया गया। साथियों, महामिलावट के घटक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, न वो देश की परवाह करते हैं। यही सीख हमें उनके इतिहास और उनके वर्तमान से मिली है। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि जब हमारे देश की सक्षम सेना आतंक को कुचलने में जुटी है, सीमा के भीतर हो या सीमा पार, आतंक के ठिकानों पर प्रहार करने में लगी है, ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं, देश की आवाज को, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बातें, उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर पाकिस्तान में तालियां बज रही है। साथियों, जब आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ एक सुर से, एक स्वर से बात करने की जरूरत थी, तब दिल्ली में 21 पार्टियां मिलकर के केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए इकट्ठी हुई थी। बिहार का, देश का कोई भी सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उनके उस कृत्य को कभी भी माफ नहीं करेगा। करेगा क्या? माफ करेगा क्या? क्या ऐसे समय पाकिस्तान खुश हो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए क्या? क्या पाकिस्तान में तालियां बजे ऐसा पाप यहां करना चाहिए क्या? क्या ये शोभा देता है क्या? अब इन्हीं दलों के नेता
हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वह आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। साथियों, मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं, आखिर क्यों कांग्रेस के नेता, उसके सहयोगी दलों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश के विरोधियों को फायदा हो रहा है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने देश को नई नीति और नई रीति दी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का देश की सुरक्षा को लेकर जो रवैया था वो देश देख चुका है। अब नया हिंदुस्तान नई रीति और नई नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत अपने वीर जवानों के बलिदान पर चुप नहीं बैठता, चुन चुन करके हिसाब लेता है। दुनिया में कहां किससे कैसे बात करनी है और उसका परिणाम क्या होता है, इसको देश आज अच्छी तरह से अनुभव कर रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में कैसे भारत को सम्मान के साथ बुलाया गया, हमारी बात सुनी गई। 50 साल बाद ये हुआ है। भाइयों बहनों, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? साथियों, इन 50 सालों में ज्यादातर समय देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार रही है। क्यों वो भारत की बुलंद आवाज दुनिया के ऐसे मंचों पर नहीं रख पाए? क्या इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हाल में सऊदी अरब ने वहां के क्राउन प्रिंस भारत आए थे तो उनके सम्मान में भोजन था, तो भोजन पे हम बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा है, हमारा मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो उनके मन में भी नई नई इच्छाएं जगती है। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या, मैंने कहा हमारे मुसलमान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आपका कोटा कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा मोदी जी बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी होगी, 2 लाख कर दिया। 2 लाख दुनिया में किसी भी देश का कोटा नहीं बढ़ा, हमारे देश के मुसलमान हज यात्रा कर सके इसलिए कोटा बढ़ गया। ये भारत की आवाज सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने दूसरी बात कही, मैंने क्राउन प्रिंस से कहा कि भारत के नौजवान
सऊदी अरेबिया में रोजी रोटी कमाने आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। ज्यादातर हमारे गरीब परिवारों से होते हैं, भले भोले लोग होते हैं, मेहनत करते हैं। ज्यादातर मेरे मुसलमान परिवारों से होते हैं। अब उनसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको वहां के कानून का पालन नहीं पता होता है और बेचारे जेल चले जाते हैं और सालों तक जेल में रहते हैं। मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए? मैंने कहा जल्दी से उनका केस चले और उनको जेल से रिहाई कर दिया जाए। उन्होंने कहा मोदी जी आपने कहा है ना, मैं आज आपको शाम तक जवाब दे दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस शाम को राष्ट्रपति भवन में जब हम डिनर पर बैठे थे तो उन्होंने कहा मोदी जी तो कुछ मीठा खा लो। मैंने कहा किस बात का? बोले सऊदी की जेल में भारत के जो 850 लोग थे उनको छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया। ये होता है दुनिया के साथ नाता भाई। मैं इन फैसलों के लिए सऊदी अरब को, क्राउन प्रिंस को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं भाइयों। साथियों, ये विदेश में भारत के बढ़ते प्रभाव दूसरे देशों के साथ मजबूत होते हमारे रिश्तों का एक और उदाहरण है। लेकिन ये इसका भी उदाहरण है कि पहले कांग्रेस और उसके साथियों ने किस तरह से देश चलाया है। वोट लेकर के भूल जाने वाले ऐसे लोगों को अब भली भांति देश पहचान गया है। पहचान गए हो कि नहीं हो? अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करने वालों के पास मोदी को गाली देते रहने के सिवाय और कोई काम नहीं बचा है। मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, आप चीजों को बारीकी से देखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए क्या चल रहा है आजकल। साथियों, वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें। वे कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। आप मुझे बताइए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन उनकी प्राथमिकता है मोदी को खत्म करो। मेरी प्राथमिकता है आतंकवाद खत्म करो। वे कहते हैं कि आओ मिलकर के मोदी को खत्म करो। मैं कहता हूं आओ मिलकर गरीबी का मुकाबला करें, देश को गरीबी से मुक्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें। मैं कहता हूं आओ हम सब एक होकर भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें। मैं कहता हूं कि आओ हम सब मिलकर देश के नौजवानों के लिए नए अवसर बनाए, उनके सपने पूरे करें, इसके लिए काम करें।
वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें। मैं कहता हूं आओ सब मिलकर के देश में कुपोषण को खत्म करें, गंदगी को खत्म करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नियत नियत का फर्क है साथियों। अपने देश को विश्व में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं, नए रास्ते बना रहा हूं, और मुझे ही रास्ते से हटा देने के लिए काम कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, बिहार के लोग, देश के लोग इतने जागरूक हैं कि इनकी सारी बातें एक के बाद एक देश के सामने अब आ चुकी है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि इन्हें एक बार फिर सजा देंगे, उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे। ये अपनी राजनीति करते रहे, हम देश के विकास के लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से इतनी बड़ी तादाद में आकर के हम सबको जो आशीर्वाद दिए, मैं हृदय पूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।